नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया। बता दें आपको कि एसजीपीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और ये भी आपको बता दें, पूर्व सीएम के निधन पर बीजेपी सहित तमाम समर्थकों में शोक की लहर है। सीएम योगी आदित्यनाथ, मायावती ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। अमित शाह भी पहुंचे, माननीय वस्ती समेत तमाम दिग्गज पहुंचे, श्रद्धांजलि दी है। भाजपा समेत उनके समर्थकों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लखनऊ से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया। और ये भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, बीजेपी के भी तमाम दिग्गज पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और श्रद्धांजलि दी, नमन किया। ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। हम उनके भरपाई के लिए, उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का, हमारे तो बाबूजी थे, उनका जाना मेरे लिए एक पारिवारिक, एक व्यक्तिगत क्षति है। और चलिए हमारे साथ रविंद्र तिवारी यूपी हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, कल्याण सिंह का निधन हो गया और आज तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। जी नेहा जी, मैं बताना चाहूंगा, कल्याण सिंह जी जो थे, ये राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे और भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका निधन जो है कल रात 9:15 बजे एसजीपीजीआई में हुआ है। ये 4 जुलाई को भर्ती किए गए थे और इनके शरीर के कई अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। और आखिरी में कल रात 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। फिर उनका जो पार्थिव शरीर था, सीधे उनके आवास पे ले जाया गया। वहां पर योगी जी रहे, जितने भी प्रमुख नेता हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, सभी मौके पे रहे जी। और सुबह 9:30 बजे दिल्ली से जेपी नड्डा जी कहें, चाहे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या जितने भी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी लखनऊ आके सबने उनको श्रद्धांजलि दी। चाहे हम बात करें दूसरी पार्टियों की, बहन जी मायावती थी, वो भी मौके पे आई, और जितने भी अधिकारी या जितने भी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और अभी इस समय जो उनका शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको उनके आवास से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ले जाया जा रहा है। वहां से वो 2 बजे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अपने निवास स्थान अलीगढ़ में जाएंगे, जहाँ शाम को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी जी रविंद्र जी, कल अंतिम संस्कार भी होगा?
हाँ, इनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज एयर एम्बुलेंस से जनता दर्शन के लिए अपने जो मूल निवास स्थान है अलीगढ़, वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ से फिर एक बुलंदशहर के पास गंगा जी किनारे उनके अंतिम कार्यक्रम उनके किए जाएंगे। जी रविंद्र जी, हमने तमाम दिग्गजों को सुना, नेताओं को हमने सुना, चाहे वो विपक्षी दल के हो या बीजेपी के हो, सभी ने एक अपूर्णीय क्षति से बताया है। जी मैं वही कहना चाहूँ, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के दो बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 24 जून 1991 में पहली बार बने थे और उनका कार्यकाल जो था राम मंदिर को लेकर बड़ा एग्रेसिव था। उन्होंने पूरी नींव ही रखी थी और राम मंदिर के प्रमुख चेहरों में उनका नाम शुमार होता था। उसके बाद 1997 में दोबारा मुख्यमंत्री बने, जिसका कार्यकाल उनका 1999 का रहा और जितने समय रहे हिंदुत्व के बड़े चेहरे रहे उत्तर प्रदेश सरकार में और या कहिए भारतीय जनता पार्टी में। और उन्होंने राम मंदिर को लेके जो भी अभियान किया था उसमें सबसे आगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। जी रविंद्र जी, ये भी बताया कि अभी पीएम मोदी पहुंचे, तमाम जन दिग्गज पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, अमित शाह भी पहुंचे, विपक्षी दल के भी तमाम नेता पहुंच रहे हैं, मायावती भी यहां पर पहुंची अभी, और एक इनका आना जाना यहां पर लगा हुआ है क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह रखा हुआ है। हाँ, अभी जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या दूसरे पार्टियों की बात करें, सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। चाहे अखिलेश जी की बात करें, उन्होंने भी दी है, बहन जी ने भी दी है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय कुमार लल्लू जी ने भी शोक संवेदना प्रकट की है और सभी लोग एकदम से गम के भाव में डूब गए हैं। ये जो क्षति हुई है बहुत ये कहिए इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये बहुत प्रमुख चेहरों में रहे हैं कल्याण सिंह जी, ये बुनियाद थे भारतीय जनता पार्टी के जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। जी चलिए, आप रविंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका फिर रुख करेंगे। तो बता दें आपको कि बीजेपी सहित तमाम जो विपक्षी दल है वो भी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और प्रतिक्रिया भी इस पे दी है, सभी ने इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है। बहुत ही दुखद, बहुत ही पीड़ाजनक हमारे सबके लिए यह दिन है। बाबू जी का जाना माने कि जैसे उत्तर प्रदेश से मतलब एक राम भक्त, एक राष्ट्रभक्त, ऐसे प्रेरणा के केंद्र, ऐसे आदर्श महापुरुष चले गए हैं जिनकी यादें अब हम सबके जीवन में रहेंगी, जिनके द्वारा दिखाया गया रास्ता हम सबके जीवन में रहेगा और बाबू जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे भी और जो उनके स्वप्न रहे उनको साकार करने के लिए भी कोई कमी ऊपर से लेकर नहीं रखेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आए ही और भी हमारे सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय नेतागण आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, सारे प्रदेश के आम नागरिक आ रहे हैं। बाबू जी के प्रति बहुत लगाव था प्रदेशवासियों का, देशवासियों का कहा। शिक्षा मंत्री जी ने कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे बिरले लोगों में देखी है। स्वाभाविक रूप से उनको दोबारा बस प्रारंभ पे ही कहते हैं राम दलहन महेंगे, मंदिर बनाएंगे, राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन जब तक वह मंदिर भव्य रूप में बनके तैयार होता और उनके दर्शन करने का अवसर होता हमारे बीच। तो केशव प्रसाद मौर्य और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें भी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह रखा गया है और कल अंतिम संस्कार होगा। और हमारे साथ यूपी हेड रविंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, हमने तमाम दिग्गजों को सुना और सभी ने अपने अपने यहाँ पर विचार भी रखे क्योंकि पार्थिव देह जो है वो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ रखा हुआ है, तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक हम सिर्फ बीजेपी की अगर बात करें तो सिर्फ बीजेपी की नहीं, तमाम जो दल यहाँ पर मौजूद थे, जितने भी नेता यहाँ पर पहुंचे, चाहे हम बसपा की बात करें या फिर सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी की ओर से व्यूज भी आए हैं, सभी की प्रतिक्रियाएं आई है। सभी का यही कहना था कि कल्याण सिंह जी सिर्फ एक पार्टी के लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने एक दिशा, एक दशा तय की। जी मैं बताना चाहूंगा, देखिए कल्याण सिंह जी
जो थे ये यूपी पिछड़ी जातियों के बहुत बड़े नेता थे, 80 के दशक में मंडल राजनीति के दौर में आए थे और पिछले वोट बैंक को लेके भाजपा के पक्ष में करने का श्रेय कल्याण सिंह को ही जाता है। 1989 में जब राम मंदिर आंदोलन में लाल आडवाणी जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, साथ में कल्याण जी थे, इन तीनों की भूमिका ही राम मंदिर को लेके बहुत प्रभावशाली थी, जिससे कि आज जो राम मंदिर नियाद रखी गई है, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं से इन्हीं को जाता है। इसीलिए और काफी सक्रिय राजनीति रही है उत्तर प्रदेश में, तो दो बार मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद उसके अलावा राजस्थान में गवर्नर रहे, आपके हिमाचल प्रदेश की बात करें वहां भी गवर्नर रहे और काफी प्रभाव रखा जब तक ये सक्रिय रहे। हालांकि बीच में नाराज भी हो गए थे भारतीय जनता पार्टी से, अपना दल अलग उन्होंने बना लिया था, लेकिन बाद में मान मनोबल के बाद वो फिर भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य के तौर पर जुड़ गए थे। जी बिल्कुल, रविंद्र जी ऐसे नेता बहुत कम ही मिलते हैं जो अपने नाम को ही सार्थक करने के लिए लगे हैं। पीएम मोदी ने भी कहा कि अपने नाम को ही उन्होंने अपने जीवन का मंत्र बनाया, चाहे वो जनता के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे वो राजनीति के लिए हो। जी पूरी भाजपा क्या पूरा देश भर में है उनके समर्थकों और चाहने वालों में इस समय शोक की लहर दौड़ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज दोपहर 2 बजे लखनऊ से ही एयर एम्बुलेंस से इनका पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के स्टेडियम में जनता दर्शन के लिए रखा जाना है। उसकी तैयारी भी स्टेडियम में शुरू हो गई है। कल यहीं से शव यात्रा उनके पैतृक गांव अतरौली होते हुए बुलंदशहर के राजघाट जाएगी, जहां घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और योगी जी इनके अंतिम यात्रा में आज से ही लखनऊ से ही अलीगढ़ पहुंच जाएंगे और रात्र में वहीं विश्राम करेंगे और जब तक ये पूरा कार्यक्रम नहीं निपट जाता है तब तक वो लखनऊ नहीं आएंगे, पूरा करके ही लौटेंगे। जी चलिए रविंद्र जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। तो बता दें यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया, 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और पार्थिव देह अंतिम दर्शन के रखा है। कल पैतृक गांव में बता दें आपको कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज यहाँ पहुंचे, तमाम राजनेता यहाँ पर पहुंचे और अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।